Hello guys and welcome back to Pegasus Fighty, and finally here we are with a brand new tutorial video. So in this video we are going to learn this effect. And yeah guys, काफी short and simple tutorial होने वाला है इसका, तो let's start the video. But उससे पहले जाइए and hit that like button, make sure to subscribe and hit that bell icon too. Okay, तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, let's drop into the video. ओके तो गाइस लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले आप लोग अपनी एक कोई भी क्लिप जो आप यूज करना चाहो उसको इंपोर्ट कर लेना एंड यहाँ पे एक नया कंपोजिशन बना लेना एंड यहाँ पे पेस्ट कर लेना उसको. तो मैं गाइस ये वाले क्लिप यूज करने वाला हूँ ताकि ये मेरे को अच्छा लग रहा था. तो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले मैं करने वाला हूँ इसकी टाइम रिमैपिंग, और टाइम रिमैपिंग के लिए गाइस मैं दबाऊंगा कंट्रोल अल्ट प्लस टी. इससे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टाइम फ्रेम स्टार्ट हो गया. तो मैं एक फ्रेम यहाँ पे लगाना चाहूंगा, और क्योंकि मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे डिले देना है. तो एज यू कैन सी मैं इसको लास्ट फ्रेम यहाँ पे रखूंगा. अब देख सकते हो ये काफी अच्छा लग रहा है, या मे भी इसको थोड़ा और स्ट्रेच कर. नाउ यू कैन सी ये काफी अच्छा लग रहा है. तो इसके बाद ये हो चुका है हमारा टाइम रिमैपिंग इज डन. नाउ आई एम गोइंग टू एड ग्लो. तो ग्लो पे सेट आप यहाँ पे सर्च कर लेना, देन यहाँ से इसको लेके ड्रैग एंड ड्रॉप या डबल क्लिक कुछ भी कर सकते हो. अगर ये फ्रेम सेलेक्टेड है तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर देना, या फिर ओके. तो ये ऐड हो चुका है. अब मेरे को डालनी है यहाँ पे इंटेंसिटीज की कहाँ से कहाँ तक चाहिए. तो यहाँ पे मैं इस गाइस फ्रेम मैच करके करना जो भी काम करोगे, वरना मे बी आप लोगों का सही से इफेक्ट लग नहीं पाएगा. देन मैं इसको यहाँ पे से सेलेक्ट करूंगा, ग्लो इंटेंसिटी को यहाँ पे से चेंज करूंगा, सॉरी ग्लो थ्रेशोल्ड को, और यहाँ पे मैं रहने दूंगा 60, क्योंकि यहाँ पे मेरी क्लिप खत्म हो रही है. और मैं यहाँ पे क्योंकि आगे जाके मुड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे को चाहिए क्योंकि इसका एंड पॉइंट. तो मैं यहाँ पे इसको 100 कर दूंगा. एज नाउ यू कैन सी, और मेरे को ये इफेक्ट लगाना है कुछ यहाँ पे से. ओके, तो एक फ्रेम मैं यहाँ लगा के इसको भी 100 कर दूंगा. नाउ यू कैन सी हमारा ग्लो पार्ट वाला काम हो चुका है. अब हमें लगाना है एक्सपोजर, ये थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट आ जाए. तो आप देख सकते हो ये रहा एक्सपोजर इफेक्ट. मैं अभी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा इसको, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक्सपोजर किल स्टार्ट पे. यहाँ पे मेरे को एक टाइम फ्रेम चाहिए जिसको मैं एज यू कैन सी मैं थोड़ा सा डाउन कर दूंगा ताकि वो थोड़ा सा अच्छा लगे. और देन यहाँ पे जाके एक्सपोजर में जाऊंगा मैं, मास्टर यहाँ पे एक और देखे इसको कर दूंगा 0. एज यू कैन सी नाउ ये जाएगा, और यहाँ पे मैं एक और फ्रेम लगा के इसको यहाँ पे भी कर दूंगा 0. एज यू कैन सी ये काफी सही लग रहा है. ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा लग रहा है, तो ऑलरेडी ये काफी अच्छा लग रहा है. अब लगाते हैं गाइस मेन इफेक्ट उस पर. उसके बाद उसके लिए आपको सर्च करना है यहाँ पे कार्ड डांस. ये गाइस पहले से होता है, आप लोगों को कोई नया प्लगइन की जरूरत नहीं है, आप लोगों के पास पहले से होगा ये आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर. एंड हाँ गाइस, मैं थोड़ा पुराना वर्जन यूज कर रहा हूँ आफ्टर इफेक्ट्स का, तो मे बी आप लोगों के कंट्रोल्स थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, बट बेसिक चीजें सेम ही होंगी. अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो, या फिर यहाँ कॉमेंट्स में पूछ सकते हो. इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड एज वेल एज डिस्कॉर्ड का भी. ओके, तो गाइज ये सब करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे कार्ड फॉर्म कलेक्ट कर लेना है. मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, तो मैंने वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये मत सोचना कि क्या हो गया वीडियो में अचानक से. तो उसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे से कार्ड डांस उठा के लाना है. यहाँ पे ये लग चुका है. अब आप लोगों को करना क्या है गाइज, ये ग्रेडियंट लेयर 1 देख रहे हो, इसको करना है अपने वीडियो लेयर पे सिलेक्ट. मेक श्योर कि आप दोनों पे कर दो, एक पे भी कर सकते हो जो आपकी मर्जी है, बट एटलीस्ट 1 पे कर देना, ग्रेडियंट लेयर 1 पे जो आपका वीडियो है उस पे सेलेक्ट कर देना. देन आपको क्रिएट करना है एक न्यू कैमरा, एंड मेक श्योर कि ये 50mm पे हो. ओके, तो मैंने यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर रखा है, मैंने ऑलरेडी एक कैमरा क्रिएट कर लिया था तो मैंने ध्यान नहीं दिया उस पर. ओके, तो यहाँ पे से आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है, कहाँ चला गया वो दहल, हाँ ये रहा. तो यहाँ पे आप लोगों को आना है कैमरा सिस्टम, यहाँ पे आपको करना है कॉम्ब कैमरा. अब आपके ऊपर है कि आपको कहाँ पे से कहाँ कौन सा इफेक्ट लगा, ठीक है. तो आप लोगों को सबसे पहले जाना है जी पोजीशंस में, और यहाँ पे से नन को कर देना है इंटेंसिटी 1. अब देख सकते हो यहाँ पे ब्रॉक्सेज आ रखे हैं, तो ऐसा इफेक्ट हमें चाहिए नहीं, तो हम यहाँ इस पे करेंगे गाइस रोज पे आके इसको कर देंगे 250.
वैल्यूज आप अपने ऊपर हिसाब से रख सकते हो, मेरे को एक पर्टिकुलर इफेक्ट क्रिएट करना है इसलिए मैं ये भी वैल्यूज यूज कर रहा हूँ दोनों को 250 पे। अब आपके ऊपर है कि आपको लाइक इफेक्ट्स को कितना कहाँ तक रखना है, लेकिन मैं यहाँ पे इसका पीक रखूंगा। तो मैं जाऊंगा नीचे, इफेक्ट्स ग्लो, आई मीन सॉरी ग्लो नॉट ग्लो, एक्सपोजर को भी बंद करूंगा, कार्डांस पे जाऊंगा और वापस जी पोजिशन पे। अब यहाँ पे आप लोगों को मल्टीप्लायर इसका डालना है, मैं मल्टीप्लायर को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा अराउंड 2.40, ये आप अपने वैल्यू हिसाब से वैल्यूज में चेंज कर सकते हो, और इसको इतना रखूंगा। तो ये आपके ऊपर है कि आपको किस हिसाब से लाइक कैसा रखना है, बाकी मोस्ट चॉइसेस आपकी है। तो मैं लाइक इस वाले फ्रेम पे आके इनको वापस से जीरो कर दूंगा ताकि ये लाइक यहीं पे आके बंद हो जाए। तो यहाँ पे लाइक करूंगा जीरो एंड एंटर एंड अगेन यहाँ पे जीरो एंड एंटर। अगर आप अब देखो तो मैंने थोड़ा सा गड़बड़ तो कर दिया है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, की फ्रेम्स लगाना मैं भूल गया था, पता नहीं आज को क्या रहा है मेरे साथ। ओके, तो इसको कर दूंगा 2.40 पे और इसको अराउंड इतना, दिस इज द परफेक्ट। अब ये करने के बाद आप लोगों को जाना है आगे, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ तक है, तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है वहां पे भी तो जीरो लगाना पड़ेगा। तो लाइक मेरा ग्लो इफेक्ट यहाँ पे से लग रहा है, ग्लो प्रीसेट, तो मैं जाऊंगा यहाँ पे मल्टीप्लायर एंड दोनों पे कर दूंगा, इसको कर दूंगा एंटर जीरो एंड एंटर जीरो टू। अब आप लोग देख सकते हो कि ये हमारा ऑलमोस्ट काम हो चुका है, देख सकते हो ग्लो इफेक्ट लग गया है। अब ग्लो इफेक्ट में भी मेरे ख्याल से थोड़ा हम लोग चेंज अप कर सकते हैं, यहाँ पे जाना है ग्लो में, ग्लो थ्रेशोल्ड पे, यहाँ पे 100 ना, तो ये 100 को उठा के यहाँ करूंगा मैं और यहाँ पे इसको एक और लगा के 60 करते हैं। अब अगर देखो क्या काफी अच्छा हमारा लग चुका है, मैं एक बार इसको लोड कर लेता हूँ, देन आपसे मिलता हूँ। ओके गाइस, ये हो चुका है, तो अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि ये कैसा लग रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा प्ले एंड एज यू कैन सी ये इफेक्ट काफी मजेदार लग रहा है। तो अगर आप लोगों को ऐसा इफेक्ट क्रिएट करना है तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हो, काफी शॉर्ट एंड सिंपल सा ट्यूटोरियल था। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब एज वेल। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।